हम समझते हैं कि आखिर स्लाइसर की जरूरत क्यों पड़ती है, राइट? तो सबसे स्लाइसर की जरूरत को समझना जरूरी होता है। कि हमें सबसे पहले जानिए कि हमें स्लाइसर से पहले फिल्टर के बारे में समझना होगा कि फिल्टर में प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे आपने एक डेटा देखा और उस डेटा पे मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट बना ली है, एक छोटी सी रिपोर्ट बना रहा हूं जिससे मैंने बनाया कि किस पर्सन का कितनी क्वांटिटी सेल हुआ, राइट? और मुझे इसको अपने चार्ट के जरिए विजुलाइज करना है। हमने इस पे चार्ट बना लिया, लेकिन प्रॉब्लम है कि मुझे जो है क्वांटिटी भी चाहिए और एमआरपी का एवरेज भी चाहिए। तो हमने अमाउंट को यहां रखा, वैल्यू फिल सेटिंग पे गए, यहां पे एवरेज कर दिया। अब आप यहां देख पा रहे हैं कि एवरेज ऑफ द अमाउंट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। यस सर, ना दिखने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा यस सर, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी है हजारों में और आपकी एमआरपी कुछ सौ है, जिस कारण इतने बड़े स्कूपे नहीं दिख पा रहा है। तो इन शॉर्ट मतलब कि मुझे अगर विजुलाइज करना है तो मुझे दोनों का अलग अलग चार्ट चाहिए होगा, तो मुझे इन दोनों का अलग अलग पिवट बनाना होगा। तो एक ही डेटा पे आप एक से ज्यादा पिवट बना सकते हैं। तो यहां पे मुझे सेम सीट पे जाइए, तो एग्जिस्टिंग सीट वर्कशीट इसको हमने सेलेक्ट किया और यहां पे सिलेक्ट करके ओके कर दिया, ठीक है। यस, एक सेकेंड दीजिए, ओके, तो यहां पे हम जैसे कि अपनी नेम को लेते हैं, नेम हमने यहां रख दिया और यहां पे हमने अमाउंट रख दिया, एक अलग हमने अपना बना लिया। ऐसे मुझे और भी चाहिए तो हर बार क्या मुझे यहां पे जाके इंसर्ट पिवट करना पड़ेगा? हर बार करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को सिलेक्ट कीजिए और इसको पेस्ट दीजिए। ओके ओके और यहां हमने नेम को हटाया और इसके जगह पे मैं सिटी ए रख देता हूं, प्रोडक्ट रख देता हूं। फिर इसको कॉपी किया और यहां पे मैंने पेस्ट किया और प्रोडक्ट को हटाया और यहां पे हमने सेल्स मोड रख दिया, राइट? तो मेरे पास यहां पे लिस्ट ऑफ चार लिस्ट ऑफ पिवट है। ओके मान लीजिए मुझे इसमें वेबसाइट वाइज और भी प्रोडक्ट वाइज मुझे फिल्टर लगाना है, तो यहां पे मैं फिर यहां से उठाया, मैंने वेबसाइट को उठाया और फिल्टर में रख दिया। अब इसमें दो प्रॉब्लम है, इसमें इसमें दो पेमेंट है, दो है इसमें। एक यहां पे अगर हम लेते हैं प्रोडक्ट को, यहां प्रोडक्ट रख दिया, तो अगर मान लीजिए मैं यहां पे एफिलेटेड सुजीत कुमार को सेलेक्ट करता हूं, मैं सेल्स मोड लेता हूं, प्रोडक्ट हटा देता हूं सेल्स मोड। अब सेल्स मोड में आईपीटी इंडिया सेलेक्ट किया, अब मैं यहां पे एफिलेटेड सेलेक्ट करता हूं तो एफिलेटेड का डेटा नहीं है, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि जो आईपीटी इंडिया में कौन किस किस सेल्स मोड का डेटा है या नहीं है।
हम एक एक करके जब फिल्टर अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम कि जब मैं अपना फिल्टर अप्लाई करता हूं तो सिर्फ मेरा ए पिवट चेंज होता है, इस पिवट पे चेंज नहीं है। मुझे इस पिवट पे जाके फिर वापस, क्या हमें वापस यहाँ पे साइड पे जाके वन बाय वन लगाना पड़ेगा? तो ये तो काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गया ना सर। तो इसी चीज के लिए यूज किया जाता है हमारा स्लाइसर। हम आएंगे यहां पिवट टेबल एनालाइज में, हम आते हैं इंसर्ट स्लाइसर्स, और जिस जिस फील्ड पे आपको लगाना है उस फील्ड को आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इस तरीके से आता है, इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। नेम आ गया एनालाइज स्लाइसर, तो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, सेल्स मोड सॉरी, राइट। और इसको मूव कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं, और इसकी भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है ऊपर स्लाइसर की, ये जो फॉर्मेटिंग दिख रहा है इसकी अपनी एक फॉर्मेटिंग है, वो फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है सर। अब इसमें मैं डायरेक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पे दिख रहा है ना कि आईपीटी इंडिया डायरेक्ट में नहीं है, हाईलाइटेड नहीं है। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम है कि भाई सारे कनेक्टेड हो गए, अभी भी मैं अगर डायरेक्ट सिलेक्ट करता हूं तो मेरा सिर्फ एक पिवट इसको चेंज होता है, बाकी चेंज तो होता नहीं, क्योंकि हमने इसको बाकी से कनेक्ट नहीं किया है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको यहां पिवट टेबल में देखिए फिल्टर कनेक्शन होता है। फिल्टर कनेक्शन दिखा सर? यस सर। इस फिल्टर कनेक्शन पे आइए और वन बाय वन जो आपने स्लाइसर लगा रखा है उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है यस सर। सब चेंज हो रहा है। yes, अब मान लीजिए मैं इसके चार्ट बनाता हूं और मैं इसको कहीं और ले जाना चाहता हूं, इसे एक अलग सीट पे। तो हमने क्या किया, यहां से भी चार्ट बना सकते हैं, पिवट चार्ट से यहां से चार्ट बना सकते हैं। okay. इसको कट किया और चार्ट के ऊपर जो है मैं आपको आगे क्लास में समझाऊंगा। फिर यहां हम इसको कट करते हैं, हम इस पे आते हैं, इसको यहां पेस्ट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट किया इंसर्ट स्लाइसर, सॉरी स्लाइसर नहीं, पिवट है ना, पिवट, इसको कट के यहां पे हम पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से जो है आप अपने चार्ट्स को जैसे कट करके पेस्ट कर सकते हैं। तो चार्ट को जैसे पेस्ट कर दिया, अभी भी जो है हमारा पिवट से ही है। ठीक है यस सर। तो आप यहां जो है अपने स्लाइसर्स को भी कॉपी करके ले आ सकते हैं, सो कट किया, कट करके कॉपी करके ले आ सकते हैं। ठीक है, जैसे डैशबोर्ड बनाया था उस तरह से डैशबोर्ड बनाया जा सकता है। और जरूरी नहीं है कि टेबल पे ही इस्तेमाल, इस पे पिवट टेबल पे हो,
आप डेटा पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, डेटा को भी मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें इंसर्ट टेबल में। टेबल में इंसर्ट होने के बाद मैं इस पे स्लाइसर इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। और एक सीधा सिलेक्ट करना हो तो क्लिक होल्ड रखते हुए नीचे आइए, एक सीधा सिलेक्ट हो जाएगा आपको, राइट सर? यस सर। ये स्लाइसर का इस्तेमाल होता है। तो स्लाइसर समझ में आ गया? यस सर। अब बात होती है पिवट का लास्ट टॉपिक, वो है रिलेशनशिप। ये चीज आपको हम आज शाम में 6 बजे बताएंगे सर। ओके सर।